नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया का भी अहम योगदान होगा। हरियाणा सरकार में नए नियुक्त पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन रॉकी मित्तल ने कहा है कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में कार्यरत सभी लोक कलाकारों को विशेष प्रशिक्षण देकर के और प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि सभी कलाकार नवीनतम तकनीकी के साथ साथ आम जनमानस को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दे सके और अवगत करवा सके। इसके साथ साथ आगामी दिनों में प्रदेश में लोक कलाकारों की एक प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी और उन्हें सराहना देते हुए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। चेयरमैन मीडियाज क्लब द्वारा मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। रॉकी मित्तल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए देश व प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बागडोर उन्हें सौंपी है वह पे उनका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। देखो, जैसे मैं इंटरनेशनल लेवल की पब्लिसिटी करने के दिमाग है मेरा कि हाँ पब्लिसिटी करनी है सीएम साहब की, जिस ईमानदारी से काम करते हैं, जैसे मेरिट पे नौकरी दी है या टेल तक पानी पहुंचाया है या महिला सुरक्षा को लेकर महिला थाने खोले, दुर्गा ऐप बनी, दुर्गा शक्ति गाड़ियाँ आई, इतना मुआवजा दिया, अभी बसें लगाई हैं बेटियों के लिए, और आपको शायद जानकारी होगी कि सिरसी गाँव से शुरुआत की है। सिरसी गाँव तो लाल डोरा मुक्त भी हो गया। पहले एक डिमांड रहती थी गाँव के अंदर कि लाल डोरा की एरिया बढ़ाया जाए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल डोरा ही खत्म करने जा रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, ताकि जो लोगों के नाम पहले जगह है उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी गांव के अंदर, अब उनकी थोड़ा बहुत वो देकर, जिस तरह रजिस्ट्रिया खर्चा देकर वो जमीन सबके नाम करवाई जा सकती है। ऊपर से नशा मुक्ति की बात आती है, नशा मुक्ति के पर हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू करने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते जैसे पंजाब के अंदर हालात खराब हुए हरियाणा के अंदर भी हों, क्योंकि बॉर्डर एरिया के अंदर उनका असर दिखने भी लगा है। यदि किसी भी गाँव के लोग 10% भी लिख के देते हैं तो हम ठेका नहीं खोलेगी सरकार। अभी 872 गाँव की पहले ही फाइल आ चुकी है जहाँ पे ठेके की बोली नहीं होगी। अभी ट्यूबवेल के कनेक्शन की बात आती थी, 90,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन थे, जो उनका जो बिल था माफ़ किया गया, 20 करोड़ के से ज़्यादा रकम बनती है वो माफ़ किया गया। और किसानों की फसलों की बात आती है, जैसे अभी एक पोर्टल बनाया गया फसल का जिसमें ब्यौरा का पता लगेगा। जहाँ तक बुजुर्गों की या विधवा की या किन्नर थे या बोने थे जिनकी पेंशन थी, अब 250 रुपये बढ़ाकर 2250 वो कर दी गई है। यानी कि हर एक चीज़ में अब, लेकिन हम इतना काम करने के बाद भी कई बार पब्लिसिटी नहीं हो पाती। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जैसे पहले हमारे लोक संपर्क विभाग के गायक होते थे, अब वो पुराने स्टाइल के लोग हैं, तो हम मैं चाहते हैं कि उनके साथ एक मॉडर्न सिस्टम जोड़ा जाए, एक नए बैंड जोड़े जाए, जो नई जनरेशन है वो कैसे गाने सुनना पसंद करती है, उनके बीच में कैसी ऐड हो, उन चीज़ों का भी समावेश करेंगे और सोशल मीडिया के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अपॉइंटमेंट करेंगे, ताकि हरियाणा पब्लिसिटी के नाम से एक पूरे हरियाणा में एक पब्लिसिटी की जा सके। एक रोकी जी, जो हम और कम बजट में और ज़्यादा भी बेटर कर सकते हैं। हमने जो व्यर्थ के वो टेंडर थे, अपने अपने लोगों को वो ऐडे बना बना के रख लेते थे, करोड़ों रुपये खर्च हो जाता था, टीवी के ऊपर ऐडे भी नहीं आती थी। ऐसी हजारों ऐडे हैं जो डेली बनती थी और टीवी चैनल पे आती भी नहीं थी। जब टीवी चैनल पे कोई ऐड आएगी नहीं तो ऐड बनाने का क्या फायदा है। हम तो उन्हीं टॉपिक के पे काम करते हैं जो टॉपिक जनता के समझ में है और जनता के लिए जरूरी है। हम फालतू में कोई काम नहीं करते जो बना बना के रख ली और अपने लोगों को फायदा देने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए और उनको पैसा हरियाणा का गाड़ी कमाई लुटाने के लिए ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी, जो हमने बिल्कुल बंद कर दी। और हम जिस चीज़ से अच्छी पब्लिसिटी हो, सस्ते में और बढ़िया हो, ताकि हरियाणा का पैसा हरियाणा मेरे और दूसरे कामों में लगाया जा सके, इसलिए हम व्यर्थ का कोई पैसा खराब नहीं करते। असल चेयरमैन की बात यह रहती है कि मैं नशा मुक्ति के ऊपर भी काम करूँगा, वाटर लेवल के ऊपर भी काम करूँगा, महिलाओं के हितों के लिए भी काम करूँगा और पोल्यूशन के लिए भी मेरे को काम दिया गया है। अभी तो आपने ये पढ़ा है कि मैं पब्लिसिटी का स्पेशल चेयरमैन बना दिया है, तो साथ में मुझे नशा मुक्ति के लिए भी अपॉइंटमेंट किया गया है, और जो जैसे पराली जलाई जाती है, पोल्यूशन हो जाता है, उसके लिए भी किया गया है, और जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है उस पर कैसे हमने उसको पार पाना है उसका भी बनाया गया है। काफ़ी काम दिए गए हैं मेरे को और ये स्पेशल काम ही होते हैं। और मैंने जैसे एक और सुधार के अंदर
हमने जैसे काम किया था, महिला सुरक्षा पे काम किया था, या जैसे गरीबों के लिए काम किया, अंत्योदय सरल केंद्र आई, और अंत्योदय सरल केंद्र का इतना प्रभाव पड़ा, आपने देखा होगा पिछले दिनों ही पूरे इंडिया का अवार्ड गोल्ड मेडल हरियाणा सरकार को मिला है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हमारी स्कीम को भारतवर्ष में सराहाया गया, एक बड़ी उपलब्धि है इसको, चाहे मेरिट की नौकरियां हो, चाहे मेरिट बेस पे, चाहे ऑनलाइन बदलियां हो। अब ऑनलाइन जैसे रजिस्ट्री की बुकिंग होती है, और पिछले दिन तो सीएम साहब ने खुद बोला था कि अरे वो दिन आएगा जब ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ भी हो जाएगी, तहसीलदार की जरूरत नहीं पड़ेगी, तहसीलदार को दूसरे और काम है वो दे दिए जाएंगे। कितनी बड़ी बात है हरियाणा के अंदर अपने आप में, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। सीएम विंडो की बात की जाए, अब तो सीएम विंडो बहुत कारगर हो गई है कि उसकी जवाबदेही होती है। रात में मैं कुरुक्षेत्र में था, मैंने कुछ लोगों को देखा, मैंने बोला क्या कर रहे हो, कहते सीएम विंडो में काम कर रहे हैं, और रात को 10-11 बजे तक भी सीएम विंडो पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार बहुत एक्टिव है, जो एक एक चीज़ का ध्यान रखती है, और आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा बेटर होगा। जैसे जोड़ों के बारे में है, जो मान लो जितनी गंदगी है इसको दूर कैसे किया जाना चाहिए, हर एक चीज़ को बारीकी से हम लेंगे। और जो वाटर लेवल की बात आती है, जैसे वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हम चाहते हैं कि अब तो भी एक जैसे इसराइल की टेक्नोलॉजी है, वो चीज़ें इंडिया के अंदर आएँ, जैसे बागवानी आए, फूलों की खेती आए। मेरे को कई लोग मिलते हैं सिरसा के बागवानी में, 3-3 लाख रुपए एक एकड़ के कमाते हैं, लेकिन हमारे लोग वही धान पे और गेहूं पे लगे रहते हैं। जैविक खेती है, कुछ भी कमाया जा सकता है। विधानसभा संकल्प वर्ष बनाने का फैसला किया है, और उसके अंदर हर योजना को हम उसके अंदर दिखाएंगे। और अब पब्लिक रिलेशन के साथ साथ हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, मीडिया का सहारा लेंगे। और जैसे बड़े बड़े बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में या विदेशों के अंदर वो बैंड के साथ वो करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, तो वो चीज़ें भी हम लेके आएंगे, ताकि उसको और कारगर किया जा सके। और जो युवा पीढ़ी जो चाहती है, उसके हिसाब से भी हम पब्लिसिटी करेंगे, एक नई चीज़ बन के आएगी। कमलेश डांडा जी मंत्री बनी है, ईश्वर सिंह भी हमारी सपोर्ट में है, और रणधीर गोलन जी भी हमारी सपोर्ट में है, तो वो उनका काम है, क्योंकि बजट उनके पास होता है। रोकी मित्तल के पास बजट तो है नहीं, और जितना मेरी पावर होगी उतना मैं कैथल के लिए इस्तेमाल करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा बेटर करने की कोशिश। मेडिकल कॉलेज दिया मोदी साहब ने, अच्छी बात है, क्योंकि कैथल के अंदर ये चीजें थी नहीं दूर दूर तक भी। और पिछले कांग्रेस वालों ने एक सपना दिखाया था कि पीजीआई खुल गई, लेकिन वो पीजीआई नहीं, लास्ट में पता लगा था जब पर्दा हटा तो एक सामान्य हॉस्पिटल था। लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलते, यदि बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे तो खोलेंगे।